ईश्वर अस्तित्व का प्रमाण क्या है? कोई प्रमाण नहीं, या प्रत्येक चीज प्रमाण है? तर्क की दृष्टि से तो कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि परमात्मा तर्कातीत है। न तो तर्क से कोई सिद्ध कर सकता उसे, न कोई असिद्ध कर सकता। और ख्याल रखना, जो तर्क से सिद्ध हो सकता है वह तर्क से असिद्ध भी हो सकता है। परमात्मा ना तो सिद्ध होता ना असिद्ध होता, परमात्मा तो बस है। शायद यह कहना भी ठीक नहीं कि परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा है ऐसा कहने से पुनरुक्ति दोष लगता है। है ही तो परमात्मा है, जो है वही परमात्मा है। तो जब हम कहते हैं वृक्ष है, यह ठीक कहना, क्योंकि एक दिन वृक्ष नहीं हो जाएगा, और एक दिन नहीं था फिर नहीं हो जाएगा, होना सिर्फ बीच में हुआ, इसलिए वृक्ष है, आदमी है, मकान है। लेकिन परमात्मा है यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि परमात्मा ना तो कभी नहीं था और ना कभी नहीं होगा। इसलिए जिस अर्थ में हम है का प्रयोग करते उस अर्थ में परमात्मा के लिए नहीं किया जा सकता। परमात्मा तो है का ही दूसरा नाम है। वृक्ष है अर्थात वृक्ष परमात्मा में है, मनुष्य है अर्थात मनुष्य परमात्मा में श्वास ले रहा है। जब परमात्मा अपनी श्वास वापस ले लेगा मनुष्य नहीं हो जाएगा, जब परमात्मा अपनी हरियाली वापस ले लेगा वृक्ष नहीं हो जाएगा। तो एक अर्थ में कोई प्रमाण नहीं, तर्क के अर्थ में, अस्तित्व के अर्थ में उसका ही प्रमाण है। सब तरफ ये खड़े वृक्ष, ये गिरती धूप, ये पक्षियों की आवाज, ये मेरा तुमसे बोलना, ये तुम्हारा यहां चुप मौन आनंद मग्न हो सुनना, ये सब में प्रमाण है। सुनते हो ये आवाज पक्षियों की? प्रमाण ही प्रमाण है। लेकिन तुमसे आज तर्क की दृष्टि से प्रमाण चाहते हो, वैसा कोई प्रमाण नहीं। अरे ये किसने बीने फूल, अरे ये किसने बीने सूल, बिछाई किसने ये कलियां, यह किस बंसी की तान कि जिसके स्वर स्वर से लेताल अचानक थिर थिरक उठा जीवन, यह किन अधरों का गान फूटते जिसके वेसुध रागों से उल्लास भरे निर्झर अनगिन, यह कौन अछूता सुमन बीनने जिसका मधिर पराग, भाग आई भ्रमरावलियां प्राण ये किसने बीने सूल, बिछाई किसने ये कलियां, यह कैसी पागल प्यास मांगना जिसने सीखा नहीं, न भी कुछ पाने का उल्लास, यह अजब अनोखी आस खोजती खोकर खाने खोने हेतु, यह अजब अनोखी आस खोजती खोकर खाने हेतु, निराशा में पलता विश्वास, यह कैसी लूटी बहार खोजती आई जो मधुमास, बन गई मन की रंगरलियां, आह ये किसने बीने सूल, बिछाई किसने ये कलियां, यह किस जीवन का तिमिर खोजता आया मेरे पास, इसमें की ज्योति सहज ही घिर, ये किसके सपने वधिर, नहीं जो सुने पराई बात नित्य आते नैनों में तिर, यह कैसी ज्वाला उठी जलाने आई है जो आज, प्यार की सत दीपावलियां, बता दो किसने बीने सूल, बिछाई किसने ये कलियां। पूछते हो प्रमाण, अरे ये किसने बीने सूल, बिछाई किसने ये कलियां, कौन रंग रहा है ये रंग, कौन चितेरा, कौन भरता है रंग इंद्रधनुषों में, कौन रंगता है रंग तितलियों के परों में, कौन भरता है गीत कोकल के कंठों में, कौन तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा, कौन तुम्हारे भीतर धड़क रहा, कौन है तुम्हारा जीवन। और तुम पूछते हो प्रमाण परमात्मा का, यह सब परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जो है परमात्मा उसका ही दूसरा नाम है। मैं परमात्मा को और अस्तित्व को अलग अलग नहीं तोड़ता। पुराने धर्मों ने यह भूल की थी, इस भूल का बड़ा दुष्परिणाम हुआ। पुराने धर्म संसार को तोड़ देते हैं परमात्मा से अलग, फिर सवाल उठता है उसका प्रमाण कहां है। स्वाभाविक सवाल है, संसार तो है नहीं परमात्मा, फिर परमात्मा कहां है।
फिर अड़चन खड़ी होती, फिर आकाश में हाथ उठाने पड़ते, वे हाथ झूठे। मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा अस्तित्व है, इससे पार नहीं, इसी में छिपा है, इसी में गुथा है, यही खोजो, अभी खोजो। तुम पत्ते पत्ते में उसके हस्ताक्षर पाओगे, तुम पत्थर पत्थर में उसे छिपा हुआ पाओगे। जीसस का वचन है, उठाओ पत्थर को और तुम मुझे छिपा पाओगे, तोड़ो लकड़ी को और तुमने मुझे तोड़ दिया। बता दो किसने बीने सूल बिछाई, किसने ये कलियां, और तुम प्रमाण पूछ रहे हो। और प्रमाण देने वाले लोग हुए और उनके सब प्रमाण व्यर्थ हैं, कोई प्रमाण कारगर नहीं। अब तक जितने प्रमाण दिए गए परमात्मा के, सब दो कौड़ी के। जैसे कोई कहता है कि हर चीज को बनाने वाला होना चाहिए, इतना बड़ा जगत तो इसका बनाने वाला कोई होगा, मगर उसका प्रमाण आत्मघात कर लेगा। नास्तिक के सामने जाते ही हाथ पर उसके लंगड़ा जाएंगे, क्योंकि नास्तिक कहता है अगर हर बनाने वाले का, हर बनाई गई चीज का बनाने वाला होना चाहिए, अगर संसार को बनाने के लिए परमात्मा चाहिए, तो फिर परमात्मा को किसने बनाया? बस उसने अटका दी तुम्हारी फांसी। परमात्मा को किसने बनाया? तुम नाराज होने लगे कि नहीं, परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया। तो नास्तिक कहता जब परमात्मा बिना बनाए हो सकता है तो संसार क्यों नहीं हो सकता। टूट गया तर्क, पोचा निकला। तुम कहते हो कि जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, ऐसा उस कुंभकार ने इस संसार को बनाया, लेकिन कुम्हार को भी कोई बनाता है ना, या कि कुम्हार बिना बनाया होता है। अब फंसे मुश्किल में, तो तुम्हारे उस बड़े कुम्हार को किसने बनाया? ये प्रमाण कुछ काम नहीं आते, ये बच्चों को समझाने की बातें हैं, इनसे कोई जीवन क्रांतियां नहीं होती। इसलिए मैं प्रमाण नहीं देता, मैं तो अनुभव देता हूं। मैं तो कहता हूं आओ मेरे पास, बैठो गुपचुप, गाओ नाचो, और किसी दिन अचानक तुम पाओगे कौंध गई उसकी बिजली। कब कौन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, उसकी कोई भविष्यवाणी भी नहीं हो सकती। अनायास आता है वह अतिथि, अचानक द्वार पर खड़ा हो जाता है। जिस क्षण तुम्हारी पात्रता होती, जिस क्षण तुम निर्मल होते हो, शांत होते हो, उसी क्षण घटना घट जाती। फिर कोई प्रमाण नहीं चाहना पड़ता, फिर तुम स्वयं ही प्रमाण हो जाते हो। तुम्हारा अनुभव ही प्रमाण हो सकता है, और कोई चीज प्रमाण नहीं हो सकती। बता दो किसने बीने सूल बिछाई, किसने ये कलियां। आज इतना। लोगों के लिए आत्मा पवित्र है, लेकिन शरीर उन्हें अपवित्र लगता है, ये कैसे संभव है? Yes. हम यही तो करते रहे हैं, है ना? ये कहना कि ईश्वर तो पवित्र है लेकिन सृष्टि अपवित्र है, ये कैसे संभव है? ईश्वर का विचार ही आपके मन में इसलिए आया क्योंकि आपने सृष्टि को देखा, है ना? जब आपका जन्म हुआ और आपने आंखें खोली, आपने अपने आसपास देखा, वहां इतनी विशाल सृष्टि थी। आपके यहां आने से पहले कितना कुछ हो चुका था, बेशक आपने तो ये सब नहीं रचा, इसलिए आपने सोचा कि इसका कोई ना कोई रचयिता होगा, इसी तरह आप सृष्टा तक पहुंचे, है ना? जिस पल आपने सोचा कि इसका कोई सृष्टा होगा, चूंकि आप एक इंसान हैं, इसलिए आपने सोचा कि वो एक बहुत बड़ा इंसान होगा। मेरे जैसा छोटा आदमी तो ये सब नहीं कर सकता, निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा इंसान होगा। सिर्फ दो हाथों से वो इतनी रचना कैसे कर सकता है? निश्चित रूप से उसके आठ हाथ होंगे। Isn't it so? अगर आप एक भैंसा होते तो आप सच में ये सोचते कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा होगा? Isn't it so? Yes or no? आप जाकर किसी भैंसे से पूछकर देखिए,
वो आपसे यही कहेगा कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा है, शायद चार सिंह वाला। You know, Idi Amin? आपने ईदी अमीन के बारे में सुना है, युगांडा वाला? ईदी अमीन ने ऐलान किया कि भगवान काले हैं। मैं उससे सहमत हूं। अगर गोरों के भगवान गोरे हो सकते हैं तो कालों के भगवान काले क्यों नहीं हो सकते? पर वे दोनों ही भ्रम में हैं। हम जानते हैं कि भगवान सांवले हैं। क्योंकि वे खुद हमारे पास आए थे। कुछ समय पहले मैं अमेरिका के नैशविल शहर में लोगों के एक समूह से बात कर रहा था और मैं उन्हें एक चुटकुला सुना रहा था। उस चुटकुले में मैंने भगवान को एक पुरुष की तरह संबोधित किया। तुरंत ही कुछ महिलाएं खड़ी हो गईं। क्या आप भगवान को पुरुष मानते हैं? मैं समझ गया कि बात कहां जा रही है। मैंने कहा, मैं केवल आपको एक चुटकुला सुना रहा हूं। नहीं, आपने पुरुष का संबोधन किया, क्या भगवान को पुरुष मानते हैं? वे चुटकुलों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। अब औरतें बहस कर रही हैं कि भगवान एक औरत भी हो सकते हैं। ऐसी समस्याएं केवल उन संस्कृतियों में ही हैं। भारत में हमारे पास पुरुष भगवान, स्त्री भगवान, गाय भगवान, बंदर भगवान और हर आकार व प्रकार के भगवान पाए जाते हैं, रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले, क्योंकि हमें भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं का अंदाजा था। देखिए, इस ग्रह पर जब पुरुष सबसे शक्तिशाली बल था तो स्वाभाविक रूप से पुरुष ही भगवान था। अब महिलाएं भी ताकतवर होने लगी हैं तो वे भी सवाल करने लगी हैं कि भगवान एक औरत क्यों नहीं हो सकते। मान लें कल अगर कुत्तों को बहुत सारी ताकत मिल जाए, जो उन्हें मिल ही रही है, तो कुत्ते भी पूछेंगे कि भगवान एक कुत्ता क्यों नहीं हो सकता। डॉग और गॉड की स्पेलिंग भी एक सी ही है। आपकी तुलना में वो ज्यादा करीब लगते हैं, है ना? भगवान के बारे में जो आपका विचार है वो केवल खुद का ही एक बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया संस्करण है, है ना? भगवान के बारे में आपकी सोच केवल खुद को बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई है। देखिए, अभी तक आप अपने आप को ही परिभाषित नहीं कर सके हैं, है ना? आप अपनी जो भी परिभाषा देंगे वो सही नहीं होगी। किसी भी प्रकार की परिभाषा काफी नहीं है पूरी तरह से इस जीव का वर्णन करने के लिए। जब सृष्टि का ये छोटा सा टुकड़ा ऐसा है तो सृष्टि के स्रोत को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? आप इसे न तो परिभाषित कर सकते हैं ना ही इसे समझ सकते हैं। आप केवल इसमें विलीन हो सकते हैं। आप इसका अनुभव कर सकते हैं। आप इसे कभी जान नहीं सकते। आप इसे ज्ञान नहीं बना सकते। आपको ईश्वर के बारे में जो भी ज्ञान है वो पूरी तरह बकवास है, सांस्कृतिक बकवास। जिस भी तरह की संस्कृति में आप हैं, आपका ईश्वर भी उसी तरह का होता है ना? इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। अनुभव का अर्थ ये नहीं है कि आप इसे खा सकते हैं या आप इसे समझ सकते हैं। नहीं, आप बस इसमें विलीन होकर ही इसे अनुभव कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। इसलिए हम केवल विलीन होने के उपाय तलाश रहे हैं ताकि हम उसे अनुभव कर सकें जो हमसे कहीं ज्यादा विशाल है। एक बार ऐसा हुआ, ये गौतम बुद्ध, क्या आपने सुना है उनके बारे में? सभी ने गौतम के बारे में सुना है। उनका नाम बुद्ध नहीं है, उनका नाम है गौतम सिद्धार्थ। वो एक बुद्ध बन गए। वैसे वो दुनिया के इकलौते बुद्ध नहीं है, हजारों बुद्ध हो चुके हैं और आज भी हैं।
तो गौतम एक दिन सुबह लोगों के एक बड़े समूह के बीच बैठे थे। सुबह सुबह, मतलब कि इस समय से भी पहले, एक आदमी आया और आकर पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। वो आदमी बहुत बड़ा भक्त है, वो राम का भक्त है। आप राम के बारे में जानते हैं? रमी नहीं, राम। राम भारत के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। अगर आपको पता ना हो तो भारत में हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो वो राम का बहुत बड़ा भक्त था। भारत में भक्तगण, आजकल ऐसा नहीं होता ना, हर कोई ऐसा होता है, लेकिन वो लोग जो इसे गंभीरता से लेते हैं, वो जिस भगवान में विश्वास रखते हैं उसके नाम के अलावा कुछ और बोलते ही नहीं। अगर वो आपको बुलाना चाहते हैं तो वो कहेंगे राम राम। अगर जाने के लिए कहना हो तो राम राम। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो राम राम। राम के सिवा कोई और शब्द नहीं। कपड़ों पर भी राम राम छपा है। वो बोलते भी राम राम है, वो जीते भी राम राम है। वो अपनी पूरी जिंदगी भगवान को समर्पित कर देते हैं। आप स्मार्ट हैं, आप वैसे नहीं हैं। आप भगवान को इंश्योरेंस की तरह रखते हैं। कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैंने भी अपना प्रीमियम भरा हुआ है। जो कुछ आपको करना है आप कर ही लेते हैं। भगवान को आप इंश्योरेंस की तरह रखते हैं। आप स्मार्ट हैं, लेकिन इस आदमी ने अपना पूरा जीवन भगवान में लगा दिया, पूरी तरह से। उम्र बीत रही है, थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ। क्या यहां ऐसे लोग हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते? कोई नहीं, कोई वामपंथी नहीं है, सिर्फ एक। क्या नाम है आपका? सिर्फ जॉन, और कोई नहीं? तो थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ। वो जानता है कि भगवान है, बस छोटा सा डाउट। मान लो कि भगवान नहीं है तो मैं राम राम जप कर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहा हूं। ये डाउट आपको तभी होगा अगर आप अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। आप हफ्ते में सिर्फ 10 मिनट लगाते हैं तो आपको ये डाउट कभी नहीं आएगा। चलता है, दिक्कत क्या है? अगर आप अपना जीवन पूरी तरह से भगवान में लगा दें तो 3 दिन के अंदर ही ये डाउट होने लगेगा। क्या मैं ये काम करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं? और दूसरे लोग भी हैं जो भगवान में यकीन नहीं रखते। इस जॉन को देखो, यकीन नहीं रखता। इसके लिए भी सुबह सूरज उगता है, इसके लिए भी फूल खिलते हैं, इसकी भी जिंदगी चल रही है। शायद ये मुझसे बेहतर जिंदगी जी रहा है। तो छोटा सा डाउट। वो जानता है कि भगवान है, बस एक छोटा सा डाउट। अब यहां एक आत्मज्ञानी महापुरुष मौजूद है, वो बस पक्का करना चाहता है। लेकिन काफी लंबे समय से एक जाना माना भक्त होने के कारण, क्योंकि वो सिर्फ मंदिर जाता ही नहीं था, उसने कई सारे मंदिर बनाए भी थे, तो जिंदगी के इस पड़ाव पर अब ये कैसे पूछा जाए कि भगवान है या नहीं। तो वो सुबह सुबह आया और दूर वहां पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया और उसने ये सवाल पूछा, क्या भगवान है? गौतम ने उस आदमी की तरफ देखा और साफ साफ कह दिया, नहीं। वहां शिष्यों की पूरी मंडली बैठी थी। उनके मन में ये जद्दोजहद हमेशा चलती रहती थी कि भगवान है या नहीं, भगवान है या नहीं। उफ, अब जाके राहत मिली। जब भी वो गौतम से ये सवाल पूछते थे तो वो हमेशा मौन हो जाते, वो कुछ नहीं कहते। पहली बार उन्होंने साफ साफ जवाब दिया, भगवान नहीं है। पूरी मंडली में खुशी की लहर फैल गई। ये जद्दोजहद कि भगवान है या नहीं अब खत्म हो गई। आत्मज्ञानी महापुरुष ने घोषित कर दिया है कि भगवान नहीं है। ये संदेश पूरे शहर में फैल गया। पूरे दिन जश्न मनाया गया, क्योंकि जरा इस आजादी की कल्पना कीजिए। भगवान न होने का मतलब है कि कोई भी ऊपर बैठकर ये हिसाब नहीं लिख रहा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, ताकि वो आपको सजा दें
या नर्क में जला सकें या कुछ और कर सकें, जिंदगी पूरी तरह से आपकी है। तो पूरे दिन जश्न मनाए गए, हर कोई खुशी से झूम रहा था। शाम को एक बार फिर सभा बैठी थी, एक और आदमी आया, वो भी दूर पेड़ की आड़ में खड़ा है। यह आदमी एक चारवाक है। चारवाक यानी भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो चारवाक के नाम से जाने जाते हैं। ये चारवाक पूरी तरह से मटीरियलिस्ट होते हैं, ये किसी और बात पर यकीन नहीं करते अपनी आंखों देखी के अलावा। शायद यही इकलौती संस्कृति है जो इसकी छूट देती है। आप देखेंगे कि बहुत से धर्म प्रचारक भगवान का संदेश फैलाने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, और भगवान के न होने का प्रचार करने वाले भी गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से बहस करके ये साबित कर रहे हैं कि भगवान नहीं है। शायद यही इकलौती संस्कृति है जो इसकी इजाजत देती है। बाकी जगहों में तो वो मारे जाएंगे। अगर आप चाहें तो भगवान का प्रचार कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके न होने का। यही सच्ची डेमोक्रेसी है ना? ऐसा हजारों सालों से चलता आ रहा है। लोग गांवों में जाकर बहस करते हैं और साबित करते हैं कि भगवान नहीं है। तो ये एक एक्सपर्ट चारवाक है। आपका विश्वास चाहे कितना भी पक्का क्यों ना हो, अगर आपने 10 मिनट उससे बात कर ली तो वो साबित कर देगा कि भगवान नहीं है। हजारों लोगों को वो यकीन दिला चुका है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। उम्र बीत रही है, थोड़ा सा संदेह आ गया है। मान लो कि भगवान है, जब मैं वहां जाऊंगा तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? और ये सारे भक्तगण कहते हैं कि उनके पास टॉर्चर करने के लिए हर तरह के औजार हैं। क्योंकि मैं ये साबित करने में लगा था कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो शायद मुझे ज्यादा ही टॉर्चर करेंगे। वो जानता है कि भगवान नहीं है, उसने हजारों लोगों को साबित किया है कि भगवान नहीं है, बस थोड़ा सा संदेह है। अब एक आत्मज्ञानी महापुरुष मौजूद हैं, वो पक्का करना चाहता है। तो वो शाम को आकर वहां खड़ा हो गया और उसने भी वही सवाल पूछा, क्या भगवान है? गौतम ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, हां। एक बार फिर खलबली मच गई। सुबह उन्होंने कहा भगवान नहीं है, वो सभी बहुत खुश थे। शाम को वो कहते हैं भगवान है। तो गौतम ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? देखिए, अगर आप विश्वास करते हैं कि भगवान है या आप विश्वास करते हैं कि भगवान नहीं है, दोनों एक ही चीज है। यू आर इन द सेम बोट, यू बिलीव समथिंग दैट यू डू नॉट नो। आप ऐसी चीज पर विश्वास कर रहे हैं जिसे आप नहीं जानते। मैं इस पर विश्वास करता हूं, तुम उस पर विश्वास करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी चीज पर विश्वास कर सकते हैं। हाँ, कोई भी किसी भी चीज पर विश्वास कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि इसका सच्चाई से कोई भी लेना देना हो। अगर आप ये स्वीकार करें कि मैं नहीं जानता, तो जानने की चाहत पैदा होगी। अगर चाहत पैदा होगी तो खोज शुरू होगी, और अगर खोज शुरू होगी तो जानने की संभावना भी होगी। मैं ईश्वर में भरोसा नहीं करता हूं। क्या आप ईश्वर के होने का कोई प्रमाण दे सकते हैं? मैं प्रमाण हूं। और क्या प्रमाण होता है? मेरे प्रेम को देखो, मेरी शांति को देखो, मेरे आनंद को देखो, चखो थोड़ा। मैं जो कहूंगा उससे प्रमाण होगा। कहे हुए शब्द तो शब्द ही होंगे। मेरे पास आओ, प्रमाण तो मिलेगा निकटता से। मेरे साथ बिगड़ो, मेरे साथ राजी हो। कुछ चिंता ना करो कि ईश्वर पर भरोसा नहीं। हो भी कैसे भरोसा? कैसे भरोसा आए? क्योंकि ईश्वर के लिए कोई ठीक तर्क हो नहीं सकता। ईश्वर तर्कातीत है। जिन्होंने तर्क दिए, हानि की, लाभ नहीं किया।
क्योंकि उनके तर्कों के कारण ईश्वर को असिद्ध करने का उपाय मिल गया। जिन्होंने तर्क दिए ईश्वर के लिए कि ये कारण है ईश्वर के होने में, उन्होंने रास्ता खोल दिया नास्तिकों के लिए, क्योंकि नास्तिक उन तर्कों का खंडन कर सकते हैं। खंडन की वजह से फिर ऐसा लगता है कि नास्तिक जीत गए, और जो भी तर्क दिए गए हैं ईश्वर के लिए सब खंडित किए जा सकते हैं। मैंने अब तक ऐसा एक तर्क नहीं पाया जो खंडित ना किया जा सकता हो। अगर नास्तिक और आस्तिक का तार्किक विवाद हो तो नास्तिक ही जीतेगा, आस्तिक नहीं जीत सकता है। ये बात सच है, ये मैं आस्तिक होकर कह रहा हूं। आस्तिक कमजोर है, आस्तिक लचर है, उसके दलीलें नपुंसक है, वो जो कहता है ठीक नहीं है मगर रास्ता बना देता है, नास्तिक का खंडन करने का रास्ता बना देता है। आस्तिक को चुप हो जाना चाहिए, नास्तिक विदा हो जाएंगे। आस्तिक को तर्क देने नहीं चाहिए क्योंकि ईश्वर के लिए तर्क हो नहीं सकता। आस्तिक को तर्क बनना चाहिए, तर्क देना नहीं चाहिए। उसे यह नहीं कहना चाहिए कि हर चीज का बनाने वाला होता है, तो इतनी बड़ी पृथ्वी, इतने चांद सूरज, इतना बड़ा विराट ब्रह्मांड, तो कोई बनाने वाला होना चाहिए। नास्तिक तत्क्षण पूछता है फिर उस बनाने वाले का बनाने वाला कौन, चारों खाने चित्त। अगर तुम ये कहो कि उस बनाने वाले का कोई बनाने वाला नहीं, जैसा कि ना आस्तिक कहते रहे, तो ये बेईमानी की बात है। फिर अगर उस बनाने वाले को बनाने वाले की जरूरत नहीं, तो इस ब्रह्मांड को ही बनाने वाले की क्या जरूरत है? फिर तो तुम्हारा तर्क बेईमानी हो गया। तर्क की बुनियाद यही थी कि हर चीज के लिए कोई बनाने वाला होना चाहिए। तुम अगर ये कहो कि ये ब्रह्मांड इतना जटिल है, इसके पीछे कोई ना कोई कारीगर होना चाहिए, ठीक, लेकिन तुम्हारा कारीगर तो इससे भी ज्यादा जटिल होगा ना, उसके पीछे भी कोई कारीगर होना चाहिए। ये बात कहां अंत होगी? ये दलील फिजूल है, ये बचकानी। मैं ईश्वर के लिए कोई प्रमाण तर्क की तरह नहीं देना चाहता, नहीं दे सकता हूं, और मैं चाहूंगा कि कोई ना दे। जिन्होंने दिए हैं उन्होंने ईश्वर को नहीं जाना, तो ही दिए। मेरी अपनी दृष्टि यही है कि जिन जिन ने ईश्वर के लिए तर्क दिए हैं वो तार्किक थे, अनुभवी संत नहीं। अनुभवी तो चुप रह जाएगा, अनुभवी कहेगा ईश्वर के लिए क्या प्रमाण। विवेकानंद ने रामकृष्ण से पूछा, ईश्वर है मैं प्रमाण चाहता हूं। रामकृष्ण ने कहा तू देखना चाहता है? विवेकानंद ने बहुत लोगों से पूछी थी ये बात, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा था कि तू देखना चाहता है। जिसके पास गए थे उसने कुछ तर्क बताया था, और विवेकानंद बुद्धिशाली व्यक्ति थे, उन्होंने उसका तर्क खंडन किया था। लेकिन रामकृष्ण ने कोई तर्क ही नहीं दिया, तो खंडन का तो उपाय ही नहीं छोड़ा, उल्टा दूसरा प्रश्न पूछा। प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछा कि तू ईश्वर को जानना चाहता है, ये बोल, अभी जानना है इसी वक्त। तो विवेकानंद थोड़े घबराए कि मामला क्या है, जानने का कोई पास की कोठरी में बंद है? विवेकानंद पहले बार डरे किसी आदमी से, कहा मैं सोच के आऊंगा। रामकृष्ण ने कहा ये भी कोई प्रश्न, सोच के आओगे? पहले ही सोच लेना था। ईश्वर के संबंध में प्रश्न उठाते हो तो पहले ही सोच लेना था। मैं तुम्हें कोई तर्क नहीं दूंगा, मैं भी तुमसे कहता हूं जानना है, अभी जानना है, तैयार हो जाओ, हिम्मत करनी होगी। ये बड़ी बेबूझी यात्रा है, ये कच्ची हिम्मत के लोग इसमें ना जा सकेंगे, ये बड़ा दुर्धर्ष मार्ग है। क्यों? क्योंकि अपने को बिना मिटाए कोई परमात्मा को नहीं जान सकता। इसलिए तुम कहते हो परमात्मा को जानना है, मैं तुमसे कहता हूं मिटना होगा तो ही जान सकोगे। रोशनी को जानना है, अंधेरा जाएगा तो जान सकोगे। परमात्मा को जानना है, अहंकार को जाना होगा तो ही जान सकोगे। तुम चाहो कि अहंकार के रहते जान लो तो न जान सकोगे।
ये तो ऐसे हुआ कि आदमी कहे कि मैं आंख तो बंद रखूंगा और रोशनी जानना चाहता हूं, आंख मैं नहीं खोलूंगा, आंख तो बंद ही रखूंगा और रोशनी जानना चाहता हूं। और अगर हम उससे कहें कि आंख खोल के ही जान सकते हो, वो कहे मैं आंख भी क्यों खोलूं, मुझे रोशनी का भरोसा भी नहीं, पहले भरोसा आए तब मैं आंख खोलूं, तो क्या करोगे इस आदमी के साथ? और ये आंखें तो बाहर की हैं, जबरदस्ती भी खोली जा सकती, भीतर की आंखें जबरदस्ती नहीं खोली जा सकती। इन पंक्तियों पर ध्यान करना। निकल के जन्नत से आए थे हम, वहां कोई हम नफस नहीं था, चले हैं दुनिया से तेरी यारब, यहां कोई हम नवा नहीं है। ये सिलसिला मौत और जिंदगी का तो है फरेबे निगार यक्सर, न कोई आया यहां कहीं से, यहां से कोई गया नहीं। तना से दरमा में मैं भटकता कहां फिरूंगा मेरे मसीहा, तेरी नजर के सिवा मेरे दर्द दिल की कोई दवा नहीं। तुम ही कहो मैं तुम्हारे दर से कहां चला जाऊं उठ के आखिर, सिवा तुम्हारे जहां में मेरा कोई भी तो आसरा नहीं। जो तू है तो मैं नहीं हूं पैदा, जो मैं हूं तो तू नहीं है जाहिर, यहां तो बस बात एक की है, यहां कोई दूसरा नहीं। खुदा के बंदे खुदा को पाते हैं अपनी हस्ती को खुद मिटा के, खुदी की तकमील करके देखें जो कह रहे हैं खुदा नहीं। खुदा के बंदे खुदा को पाते हैं अपनी हस्ती को खुद मिटा के, एक ही रास्ता है उसे पाने और जानने का, अपने को मिटा देना। खुदा के बंदे खुदा को पाते हैं अपनी हस्ती को खुद मिटा के, खुदी की तकमील करके देखें जो कह रहे हैं खुदा नहीं, जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, वो एक छोटा सा काम करके देखें, अपने को शून्य करके देखें, अपने को मिटा के देखें। तत्क्षण, क्षण भी नहीं जाता, पल भी नहीं बीतता, इधर तुम मिटे उधर परमात्मा हो जाता है। जो तू है तो मैं नहीं हूं पैदा, जो मैं हूं तो तू नहीं है जाहिर, यहां तो बस बात एक की है, यहां कोई दूसरा नहीं। तुम पूछते हो परमात्मा कहां है, और मैं कहता हूं परमात्मा कहां नहीं है। तुम पूछते हो परमात्मा का प्रमाण, मैं पूछता हूं तुम्हारा प्रमाण, तुम हो इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? क्योंकि जो भी अपने भीतर गए उन सभी ने पाया कि वहां कोई नहीं, वहां सन्नाटा है, वहां मैं नहीं। कभी जरा शांत बैठकर अपने भीतर जाके खोजो कि मैं कहां है, और तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे, टटोलोगे टटोलोगे, इस द्वार वस द्वार, इस किनारे उस किनारे, अंधेरे में भटकोगे टकराओगे, मगर कभी मैं ना पाओगे, क्योंकि कभी किसी ने पाया ही नहीं। तुम ये जान के चकित होगे कि परमात्मा को पाने वालों की तो लंबी कतार है, और छोटे मोटे पाने वालों की नहीं, उनकी जिनकी बात की गरिमा होगी वेदों से लेके अब तक। परमात्मा को पाने वाले गवाह तो बहुत हैं, लेकिन तुमने कभी ऐसा कोई गवाह सुना जिसने अहंकार पाया हो, जिसने ये सिद्ध कर दिया हो कि मैं हूं? आज तक नहीं हो सका। जो भी सिद्ध करने गए असिद्ध हो गए, जो भीतर गए उन्होंने पाया मैं नहीं, और पाया कि परमात्मा है। परमात्मा तुम्हारे भीतर है, मैं तुम्हारी भ्रांति है। परमात्मा की किताब को तुमने गलत ढंग से पढ़ा है, मैं की तरह पढ़ लिया है, और तुम भीतर जाते भी नहीं। वहां असली किताब है, वहां वेदों का वेद, कुरानों की कुरान है, वहां श्रीमद् भगवत गीता है, वहां भगवान है, वहां तुम जाते नहीं। तुम बाहर दौड़ रहे हो, धन कमाओ, पद कमाओ, यह कमाओ, वह कमाओ, और ये सारी कमाई किस लिए तुम्हें पता है? मैं को सिद्ध करने के लिए। बड़ा राज्य होगा तो बड़ा मैं सिद्ध हो जाएगा, धन का ढेर होगा तो बड़ा मैं सिद्ध हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाऊंगा, प्रधानमंत्री हो जाऊंगा तो मैं सिद्ध हो जाएगा। ये मैं की दौड़, मैं को सिद्ध करने में लगे हो, और मैं कभी सिद्ध होता नहीं, क्योंकि मैं है नहीं, जो है नहीं वो सिद्ध हो नहीं सकता। तुम दो और दो को पांच बनाने में लगे हो, ये होता नहीं, ये असंभव है। सिकंदर से पूछो मरते वक्त कहां कि मुझे
अर्थी पर ले जाना तो मेरे दोनों हाथ लटके रहने देना बाहर। वजीरों ने पूछा क्यों, तो उसने कहा इसलिए ताकि लोग देख लें कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। दौड़ा धूपा आपाधापी की, मगर हाथ खाली के खाली रहे, मैं शून्य की तरह जा रहा हूं। क्या कह रहा है सिकंदर? सिकंदर ये कह रहा है अहंकार पाया नहीं, शून्य ही था और शून्य ही जा रहा हूं। काश इस शून्य को स्वीकार कर लिया होता, राजी हो गया होता, अहंकार की दौड़ में समय खराब न किया होता, तो परमात्मा उतर आता। जो तू है तो मैं नहीं हूं पैदा, जो मैं हूं तो तू नहीं है जाहिर। यहां तो बस बात एक की है, यहां कोई दूसरा नहीं है। खुदा के बंदे खुदा को पाते हैं, अपनी हस्ती को खुद मिटा के खुद ही की तकमील करके देखें, जो कह रहे हैं खुदा नहीं। आज इतना ही।